गोंदिया जिले में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र अपने माता पिता के साथ स्कूल छोड़कर अलग अलग स्थानों पर पलायन कर रहे हैं और अन्य जिलों के माता पिता भी काम के लिए गोंदिया जिले के विभिन्न स्थानों पर आ रहे हैं। ऐसे बच्चों को स्कूल से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा माध्यमिक विभाग के शिक्षा अधिकारी पिछले 3 वर्षों से ऐसे छात्रों को शैक्षिक सामग्री वितरित कर रहे हैं ताकि विकलांग बच्चों में भी शिक्षा के प्रति रुचि पैदा हो। देखने में आ रहा है कि शिक्षा अधिकारी महेंद्र गजबीय पिछले 3 वर्षों से इस बात के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि जिले में जिन विद्यार्थियों में बड़ी संख्या में स्कूल नहीं जाने वाले और दिव्यांग विद्यार्थी हैं, उन्हें शिक्षा का स्वाद मिल सके और उन छात्रों को शिक्षा की धारा मिलाना जो हमेशा शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे स्कूल न जाने वाले और दिव्यांग विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने और स्कूल आने के लिए जिले में ऐसे विद्यार्थियों को स्वयं खर्च पर शैक्षिक सामग्री किट वितरित की जाती है। इन शैक्षिक सामग्रियों में स्कूल बैग, पानी की बोतली, नोटबुक शामिल है। पेन, पेंसिल, कंपास आदि आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काम करे हैं। 3 साल से इन कार्यों में उनकी निरंतरता देखने को मिल रही है। इसलिए देखा गया है कि स्कूल न जाने वाले विद्यार्थियों के चेहरे पर, दिव्यांग विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान देखी गई है। गेल्या 3 वर्षापासून आपण एक उपक्रम राबवत आहोत, ज्याच्यामध्ये शाळाबाह्य तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांना स्कूल किट वाटप हा कार्यक्रम आम्ही राबवत आहोत। ज्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून कुठल्याही कारणास्तव वंचित राहावं लागत आहे किंवा ज्यांना शाळेमध्ये प्रवेश घेतलेले आहेत किंवा जे विद्यार्थी शाळाबाहेर ज्यांना शाळेमध्ये प्रवेश घेण्याची आवश्यकता आहे अशा विद्यार्थ्यांना मी माझ्या स्वतःच्या वैयक्तिक खर्चामधनं गेल्या 3 वर्षापासून स्कूल किट वाटपाचा कार्यक्रम घेत आहे। या उपक्रमाच्या माध्यमातून असे विद्यार्थी जे कुठल्याही कारणास्तव शाळेच्या मुख्य प्रवाहामध्ये येऊ शकत नाही, वंचित राहतात, अशा विद्यार्थ्यांना एक मोटिवेशन मिळावं, त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहामध्ये समाविष्ट करून घेण्यात यावं, याच्यासाठी हा सगळा उपक्रम आहे। आज या ठिकाणी आम्ही तिरोडा या तालुक्यामध्ये जिल्हा परिषद गोंदिया अंतर्गत ज्या शाळा आहेत या शाळांमधले दिव्यांग विद्यार्थी तसेच शाळाबाह्य विद्यार्थी यांना 19 किटचे वाटप केलेले आहे आणि या विद्यार्थ्यांना या माध्यमातून एक मोटिवेशन देऊन शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना आम्ही शाळेच्या मुख्य प्रवाहामध्ये समाविष्ट करून घेण्याचं काम आज या ठिकाणी केलेलं आहे। एनबीसी न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। 125 वर्षों से महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था पुणे द्वारा संचालित कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर एकमात्र इंडस्ट्री सहायक कॉलेज, सर्वाधिक कोर प्लेसमेंट, 100% इंटर्नशिप, सैनिटाइज्ड हॉस्टल और हाइजीनिक मेस सुविधा, बस सुविधा, स्कॉलरशिप, आज ही प्रवेश ले कमिंस, ब्रांच कुठलीही असो, माझी निवड कमिंस नागपुर।